हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि चार डॉग्स लेके आया हूँ, जिसमें से तीन सेम ब्रीड के हैं, पाकिस्तानी बुल्ली, और जो हमारी एक और ब्रीड है वो है बॉक्सर। बुल्ली डॉग्स जो होते हैं वो लार्ज साइज डॉग कैटेगरी में आते हैं, और वही अगर हम लोग बॉक्सर की बात करें तो ये मीडियम डॉग्स कैटेगरी में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के पास दो अलग अलग ब्रीड के ऑप्शन नहीं है बल्कि काफी सारे ऑप्शन है, वो सभी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग इन सभी डॉग्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहना। आगे मैं आप लोगों को इन सभी डॉग्स की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या इनकी लोकेशन है और क्या इनकी प्राइसिंग होने वाली है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, दिस इज मंजीत एंड यू आर वॉचिंग ऑन योर यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट वर्ल्ड। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैंने इस जर्मन शेफर्ड की वीडियो डाली थी, प्राइस ऑलरेडी काफी अफोर्डेबल था 7,500 रुपए, बट ओनर ने अभी इसका प्राइस और भी कम कर दिया है 6,500 रुपए, और ये प्राइस भी नेगोशिएबल है। तो अगर आप में से कोई भी इस जर्मन शेफर्ड को परचेज करना चाहता है तो ऊपर आई के बटन में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, तो एक बार उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। सो गाइस, जैसा कि हम लोग इन तीनों पाकिस्तानी बुलीज के बारे में बात कर रहे थे, उसमें से मेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है, काफी अच्छी क्वालिटी है, आप लोग उसे एज ए स्टड भी रख सकते हैं। दूसरी हमारी ये फीमेल है, और तीसरा हमारा एक छोटा पप्पी, और वो भी एक फीमेल ही है, और ये दोनों उसके मदर फादर हैं। तो दोस्तों, इस मेल का आप लोग फेस और हेड साइज देख सकते हैं, काफी अच्छा है, और साथ में क्रॉप्ड ईयर है। तो इसे परचेज करने से पहले मेक श्योर आप लोगों के पास मीडियम टू लार्ज साइज का घर होना बहुत जरूरी है, जहां पर ये कंफर्टेबली रह सके, या फिर आप लोगों के आसपास ओपन एरिया हो, क्योंकि पाकिस्तानी बुल्ली एक जाइंट ब्रीड है और इन्हें रहने के लिए काफी स्पेस की जरूरत पड़ती है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को कुछ ऑप्शंस के बारे में बताया था, तो ऑप्शंस ये हैं कि अगर आप लोग एक एडल्ट डॉग परचेज करना चाहते हैं तो वो तो आप लोगों के सामने है ही, और अगर आप लोग एक पपी को परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। और फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए मैं ये ब्रीड रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये ब्रीड काफी पावरफुल, मस्कुलर और अग्रेसिव होती है, तो उनके लिए इन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इन बुलीज के बारे में तो आई थिंक काफी बातें हो गई हैं, अब थोड़ी बातें बॉक्सर के बारे में भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो बॉक्सर है ये एक फीमेल है, और क्वालिटी आप लोगों के सामने है, क्वालिटी काफी अच्छी है, और ये बहुत ही जल्दी हीट पे भी आने वाली है, और उस टाइम आप लोग इसका लीटर साइज ले सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये दोनों ही ब्रीड अपनी फैमिली और ओनर के काफी लॉयल होते हैं, और बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग्स भी। अगर आप लोगों को एक गार्ड डॉग की जरूरत है तो ये दोनों ही आप लोगों के लिए काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को इन दोनों ब्रीड के अलावा किसी भी ब्रीड के बारे में जानकारी चाहिए तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल के आइकन को दबाकर उसे ऑल पर करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो अब मैं आप लोगों को इन सभी डॉग्स की बाकी की इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ, इनकी एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। तो पहले बात करते हैं इस एडल्ट मेल के बारे में, क्वालिटी आप लोगों ने देख ही ली है, काफी अच्छी क्वालिटी है, और इसकी जो एज है वो 17 मंथ्स ओल्ड है, और ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की 15,000 रुपीज, यानी 15,000 रुपए। और दोस्तों, ओनर इस छोटे पपी को और इनकी मदर को एक साथ ही देगा, तो इन दोनों का प्राइस मैं आप लोगों को एक साथ ही बता रहा हूँ। तो ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो की है 18,000 रुपीज, तो 18,000 रुपए में आप लोग इन दोनों को परचेज कर सकते हो, और मदर की क्वालिटी भी आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो। तो अब बात करते हैं इस बॉक्सर फीमेल के बारे में, इसकी जो एज है वो 14 मंथ ओल्ड है, और ओनर ने इसकी फर्स्ट हीट मिस करा दी है, तो आप लोग नेक्स्ट हीट पे इसे क्रॉस करा के लीटर साइज ले सकते हैं। और ओनर ने जो इस बॉक्सर के प्राइस की डिमांड की है वो की 12,000 रुपीज, यानी 12,000 रुपए, और दोस्तों ये प्राइस फिक्स है, नेगोशिएबल इसमें नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, इन सभी डॉग्स की लोकेशन भी सेम ही है, क्योंकि ये सभी एक ही ओनर के पास है। तो अगर लोकेशन के बारे में बात करें तो लोकेशन है सिंघू बॉर्डर हरियाणा, अगर आप लोग डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज डिलीवरी आप लोगों को सिर्फ आसपास के एरियाज में ही मिलेगी। अगर आप लोग कहीं दूर से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट ही जाकर इसे परचेज करना पड़ेगा। तो इन सभी डॉग्स की मैंने आप लोगों को पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर फिर भी कुछ मिसिंग रहता है तो उसके लिए आप लोग ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी में से आप लोगों को किसकी क्वालिटी अच्छी लगी और साथ में किसका प्राइस, तो अपने ओपिनियन एक बार मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ, सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड बाय बाय।